जय भारत विद्यार्थियों। तो लास्ट टाइम हम इंटरनेट और नेटवर्क टेक्नोलॉजी के भीतर इंटरनेट क्या है वो हम देख रहे थे। तो अब बात करते हैं, हम लास्ट में हमने देखा था वेब पेजेस, होम पेजेस, वो सब। तो क्या होता है कि जो वेबसाइट का जो पहला पेज हमें डिस्प्ले होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं, और बाकी के सब पेजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो वेबसाइट होता है। और कोई भी वेबसाइट हो तो उसका यूनिक एक एड्रेस होता है। जैसे कि आपने गूगल खोला तो www.google.com ऐसा होता है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो उसका ऐसा कोई उसका एक यूआरएल होता है, यानी कि उसको हम यूआरएल बोलते हैं, लिंक भी बोलते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्म्स एंड टर्म्स आते हैं। तो आज हम वो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो टर्म्स होते क्या है। तो सबसे पहले टर्म्स फेमिलियर विथ, हमको ऐसा बेसिक मालूम रहना चाहिए जब भी इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्राउज़र। तो ब्राउज़र यानी कि क्या, तो ब्राउज़र एक ज़रिया है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल के ज़रिए वायरलेस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के मोबाइल के भीतर भी अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, और वो एप्लीकेशन में से एक होता है ब्राउज़र। ब्राउज़र हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकें। जैसे कि मैं आपको ब्राउज़र के नाम बताऊँ, दिखा देता हूँ, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, हमारा सफारी ब्राउज़र हो गया, वैसे कई प्रकार के ब्राउज़र आते थे। पहले आता था ओपेरा, मोबाइल में बात करूँ तो ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, क्रोम, एप्पल के अंदर आता है सफारी ब्राउज़र। तो वो सब क्या है कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ब्राउज़र कंटेन्स द बेसिक सॉफ्टवेयर यू नीड इन ऑर्डर टू फाइंड, रिट्रीव, व्यू एंड सेंड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। यानी कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं और उसके अंदर हम फिर टैब खोलते हैं, गूगल होम पेज खोलते हैं और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो एक प्रकार का वो एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट और उसकी यूटिलिटी को यूज़ करने को मिलता है उसके अंदर, वो होता है ब्राउज़र। फिर आता है डाउनलोड। तो वो डाउनलोड क्या होता है कि कोई इंटरनेट पे कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसे हम हमारे यूनिट के अंदर स्टोर करते हैं, उसे बोलते हैं डाउनलोड। अथवा तो उसे डाउनलोड की डेफिनेशन देखते हैं। डाउनलोड टू कॉपी डेटा फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर टू अ लोकल कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर यानी कि जो सर्वर है, जो हम इंटरनेट से यूज़ कर रहे हैं, उसे बोलते हैं रिमोट कंप्यूटर। तो हमने देख लिया ब्राउज़र, फिर आया डाउनलोड। सीधी भाषा में हम बात करें तो डाउनलोड वही है कि जो इंटरनेट पे हमें डेटा फाइंड किया गया है, हमें डेटा देख रहे हैं, उस डेटा और उस इंफॉर्मेशन को हमें हमारे लोकल पीसी यानी कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना है, तो उसे हम बोलते हैं डाउनलोड। और डाउनलोड का बिल्कुल अपोजिट होता है अपलोड। तो अपलोड क्या है, टू सेंड अ डेटा फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू अ रिमोट कंप्यूटर। तो अपलोड क्या हो गया कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसे हमें इंटरनेट के अंदर रखना है, उसे अपलोड बोलते हैं। डाउनलोड क्या है, इंटरनेट का डेटा हमारे कंप्यूटर के भीतर रखना है, हमें सेव करना है। और अपलोड क्या है कि हमारा जो लोकल डेटा है उसे हमें इंटरनेट पे चढ़ाना है, तो वो होता है अपलोड। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम और वो सब यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई आपका फ़ोटो है, कोई वीडियो है, उसे आप क्या करते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम पे नया फ़ोटो अपलोड किया है। तो अपलोड का मीनिंग क्या हो गया कि जो आपके मोबाइल के अंदर लोकल फाइल थी, आपकी पर्सनल फाइल थी, उसने आपने इंटरनेट के ऊपर रखा। जरिया कोई भी हो, आपने वो फेसबुक पे अपलोड की हो, गूगल पे अपलोड की हो, इंस्टा पे अपलोड की हो, लेकिन आपने उसे क्या किया कि इंस्टाग्राम पे रखा, तो इंस्टाग्राम के मेन सर्वर पर आपने अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दिया,
वो होता है अपलोड। फिर आता है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल क्या है? ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द एक्सचेंज ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज बाय टेलीकम्युनिकेशन। ईमेल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लिस्ट ऑफ पीपल एज वेल एज टू इंडिविजुअल। हाउएवर यू कैन ऑल्सो सेंड अ नॉन टेक्स्ट फाइल सच एज अ ग्राफिक्स इमेज एंड अ साउंड फाइल एंड अटैचमेंट सेंड इन अ लाइब्रेरी स्ट्रीम। हम सब ईमेल का यूज़ तो करते ही है। तो ईमेल क्या है? जब हमारे पास है चैटिंग एप्लीकेशन नहीं थी, चैटिंग एप्लीकेशन यानी कि स्काइप हो गया, हमारा व्हाट्सएप हो गया, जिनके जरिए हम टेली कम्युनिकेशन करते हैं। टेली कम्युनिकेशन क्या है कि टेली कम्युनिकेशन यानी कि हम मोबाइल से जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, टेलीफोन के जो जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। तो ईमेल क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर के थ्रू जो टेली कम्युनिकेशन होता है उसे हम ईमेल कहते हैं। मान लो कि मुझे आपसे वर्बली बात नहीं करनी है, तो मैं क्या करूँगा? आपके साथ चैटिंग करूँगा, मैसेज से बात करूँगा। अगर मैंने वो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है मोबाइल के जरिए टेक्स्ट मैसेज किया, तो वो हमारा SMS हो गया। और अगर मैंने इंटरनेट के थ्रू कोई माध्यम के द्वारा, चाहे फिर मैंने व्हाट्सएप में आपको मैसेज किया, तो वो एक प्रकार का कन्वर्जेशन हो गया, हमारा चैट हो गया। लेकिन मैं उसे आपको प्रोफेशनली देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि आपको ईमेल करूँगा। एक एक प्रकार का वो क्या है? टेली कम्युनिकेशन। और ईमेल के अंदर क्या है कि आप ग्रुप में भी एक एक जो आपका मेल है, एक जो आपकी फाइल है, उसे आपको किसी और को भेजना है, पर्सनली भेजना है, तो आप एक व्यक्ति को भी एक साथ में भेज सकते हो और एक ग्रुप को भी एक साथ में भेज सकते हो। ऐसा ही ईमेल के अंदर हमें सुविधा दी गई है। और ऐसा नहीं कि ईमेल के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल का ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं, ईमेल के अंदर कोई ग्राफिक्स हो, कोई फोटोग्राफ हो, कोई साउंड वाला क्लिप हो, MP3 या AAV फाइल, कोई अटैचमेंट हो यानी कि डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल फाइल हो, कोई भी फाइल हो, वो हम ईमेल के अंदर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन है वो है हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो आ गया ईमेल। तो उसके बाद आता है फिल्टर। तो फिल्टर क्या है? सॉफ्टवेयर डेट अलोज टारगेटेड साइट टू द ब्लॉक फ्रॉम द व्यू। एग्जाम्पल के तौर के Xtop और ALO एट अ स्कूल। यानी कि फिल्टर यानी कि क्या है? हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो पर्टिकुलरली अमुक साइट हम उसमें ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि एजुकेशन वाली कोई हमारे साइट है, तो उसके पर आप जो भी सर्च कर सकते हो तो एजुकेशन के रिलेटेड ही आप सर्च कर सकते हो। आउट ऑफ द फील्ड आप कोई भी सर्च करने गए तो वो सर्च नहीं होगा। यानी कि हमने उस पर फिल्टर लगाया गया है, यानी कि हमने उस पर कोई क्या किया है, पर्टिकुलर साइट के अलावा कोई और भी इंफॉर्मेशन है उसे ब्लॉक कर दी गई है। समझ रहे हो आप? वो होता है फिल्टर। फिर आता है होम पेज। तो होम पेज क्या है? द बिगिनिंग ऑफ द एनी पेज ऑफ द साइट उसे बोलते हैं होम पेज। कि हमने कोई भी साइट ओपन की तो उसका जो हमको पहले फ्रंट दिखाता है, जो फ्रंट दिखता है उसे बोलते हैं हम होम पेज। यानी कि आपने मान लो कि रेड एंड वाइट वाली एप्लीकेशन आपने एक्सेस की है आपके PC के अंदर, तो उसके ऊपर सबसे पहले जो आपको पेज दिखाएगा, उसका ग्राफिक्स, उसकी डिज़ाइनर, जो भी है उसका कंटेंट, वो सब आता है होम पेज के अंदर। फिर उसके अंदर स्टूडेंट कॉर्नर नाम का कोई टैग दिया गया है और उसके आप क्लिक करते हो तो आपको क्या होगा कि स्टूडेंट के कॉर्नर यानी कि स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओपन होगी, तो फिर वो उसका बैक पेज हो गया। होम पेज क्या है कि जब से पहले हम कोई भी साइट खोलते हैं तो उसका जो डिस्प्ले पेज होता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। फिर आता है HTML।
HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी अभी तक के लिए आप उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। तो क्या है HTML के अंदर वो हम देखते हैं। तो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वो क्या है? तो वो HTML है ना, वो एक प्रकार की लैंग्वेज है। वो क्या किस में यूज आती है? तो हमें जब भी कोई वेबसाइट और वेब पेज बनाना हो तो उसका जो कोडिंग होता है वो HTML के अंदर होता है। तो द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट फॉर यूज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पर, उसके अंदर क्या होता है, हम वेबसाइट या वेब पेज बनाते हैं। दे आर थ्री लेटर सफिक्स यूज इन द कोडिंग डेट हेल्प टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लोकेशन वन इज अ व्यूइंग। HTML का हमें एक चैप्टर आएगा पूरे का पूरा पढ़ने के लिए। तो HTML क्या है मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि एक प्रकार का क्लाइंट बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि हम उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो हमारा वेब पेज जो होता है उसके पूरे पूरी डिज़ाइन HTML के अंदर कर सकते हैं। HTML के अंदर अलग अलग टाइप के टैग आते हैं। टैग यानी कि उसे हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो प्रिंट एफ करवाते हैं, studio.h और स्कैन एफ वैसे कुछ कमांड यूज करते हैं, वैसे ही HTML के अंदर टैग आते हैं। वो टैग के जरिए हम वेब पेज में कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें टेक्स्ट डालो, टेबल डालो, कोई डॉक्यूमेंट उसमें डालो, ग्राफिक्स डालो, वो सब हम HTML के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम वेब पेज का डिज़ाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे वेब पेज डिज़ाइन करके जो हम उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसे ही तो हम वेबसाइट कहते हैं। यानी कि जब भी हम गूगल पे होम पेज खोला, क्रोम में खोला, गूगल खोला, तो वो जो डिज़ाइन होती है, जो गूगल आता है वो लाल पीले नीले अक्षरों में, तो वो कहाँ पर उसका कोडिंग होता है? तो HTML के अंदर वो कोडिंग होता है। अब कोई भी वेबसाइट खोलो तो उसका जो कोडिंग है वो हम HTML के जरिए करते हैं। HTML के अंदर कोई एप्लीकेशन या वैसी डिज़ाइन होती नहीं है, ओनली फॉर वेब पेज डिज़ाइन के लिए HTML है, और उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे एक दूसरा आता है HTTP। कोई भी हमारी वेबसाइट हो वो HTTP/ से स्टार्ट होती है। तो HTTP क्या है? उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। HTML लैंग्वेज है, HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है वो भी हमें समझना है। द सेट ऑफ रूल फॉर द एक्सचेंज इन फाइल दैट इज अ टेक्स्ट ग्राफिक इमेज साउंड वीडियो एंड अनदर मल्टीमीडिया फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वो क्या है? एक रूल्स है, रूल्स और रेगुलेशन है, सेट ऑफ द रूल्स फॉर एक्सेसिंग द फाइल इन द वेब, यानी कि हम इंटरनेट के जरिए जो भी कोई फाइल एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज में क्या हो गया, हम डाउनलोड करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, वो सब एक्सचेंज में हो गया। और कौन कौन सी फाइल? तो कोई भी फाइल हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स इमेज हो, साउंड हो, वीडियो हो, और डॉक्यूमेंट हो, और अदर मल्टीमीडिया फाइल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब रिलेटेड टू TCP/IP सूट ऑफ द प्रोटोकॉल व्हिच आर द बेसिक फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सचेंज इन द इंटरनेट। HTTP इज द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। HTTP है ना, वो भी हमें एक चैप्टर आएगा डिटेल्स में पढ़ने का। फिर आता है हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है? जनरली एनी टेक्स्ट दैट कंटेन्स द लिंक टू द अदर टेक्स्ट, यानी कि कोई हमें लिंक यानी कि URL जो होता है, कोई लिंक्स होती है, वो हम जनरली उसको हाइपर टेक्स्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। फिर आता है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है हम सबको पता है, गूगल का एक सर्च इंजन है, क्रोम क्या है वो ब्राउजर है, याहू है वो सर्च इंजन है। तो अ वेब सर्वर that collect the data from the another web server and put it into the database,
it's provide a link to page that contain the object of your searches. यानी कि हमें कोई सर्च करना है तो हम गूगल के थ्रू सर्च करेंगे, तो गूगल हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो हमें सर्च करने का मौका देता है, तो जो उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। और वो क्या करता है, हमें जो सर्च किया, जो कीवर्ड हमने डाला है सर्च करने के लिए, वो दूसरे वेब पेज से कॉपी करके हमें डिस्प्ले कर देता है, और क्या करता है कि वो वेबसाइट तक हमें पहुंचा देता है, उसे बोलते हैं सर्च इंजन। फिर आता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म है उसका TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इट कैन बी यूज एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द प्राइवेट नेटवर्क आइदर एन इंट्रानेट और एक्सट्रानेट व्हेन यू आर सेट अप विथ डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट। योर कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड विथ कॉपी ऑफ द TCP और IP प्रोग्राम जस्ट एवरी अदर कंप्यूटर दैट यू मे सेंड मैसेज टू द गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल्सो हैज द टॉप कॉपी ऑफ TCP/IP। ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है और एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो क्या करता है, वो यूज क्या आता है कि कोई प्राइवेट नेटवर्क है तो हम जब भी कोई इंटरनेट उसमें एक्सेस करते हैं हमारे कंप्यूटर के ज़रिए, तो वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर का जो डेटा है वो कॉपी करता है प्रोग्राम टू अनदर कंप्यूटर के जहाँ से हमने मैसेज और माहिती निकालनी है। एक प्रकार का कॉपी पेस्ट वाला वो प्रोटोकॉल है। फिर आता है URL, URL यानी वेबसाइट का जो भी पूरे पूरा आप सर्च करते हो तो ऊपर डिस्प्ले होता है वो, उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है उसका URL, द इंटरनेट एड्रेस, वो क्या है, एड्रेस है। द प्रेफिक्स ऑफ द URL इंडिकेट विच एरिया ऑफ द इंटरनेट विल बी एक्सेस। URL looks differently depending on the internet resourcing you are seeking. URL क्या है कि हमें एक एड्रेस प्रोवाइड करता है कि हमें पर्टिकुलर ए लाइब्रेरी के अंदर हमारा सर्च आता है। मान लो कि मैंने बोला redandwhite.edu, तो edu यानी कि वो क्या है कि एक एजुकेशन साइट है, तो हमारा जो एड्रेस है वो क्या हुआ कि जब भी कोई भी और जितनी भी एड्रेस, जितना भी एड्रेस edu होगा यानी कि जितनी भी हमारी एजुकेशन साइट होगी वहां से हमको ढूंढ के निकाल देगा। वो पूरे पूरा एक एड्रेस है, एक लिंक है जो हमें सर्च किया है, हमें इंटरनेट एक्सेस किया है वो। फिर आता है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो वो क्या है, अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल द रिसोर्सेज एंड यूजर ऑन द इंटरनेट देर आर यूजिंग अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कि कोई भी इंटरनेट हम यानी कि कोई भी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP के थ्रू, वो एक उसका रिसोर्स है www वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि हमारा वैन है, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो वो सबको पूरी दुनिया के कंप्यूटर को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है, फिर वो वायर नेटवर्क हो या वायरलेस नेटवर्क हो डजेंट मैटर, लेकिन वो क्या है, हमारे सब कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। वैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि इंटरनेट की बेसिक है जो हमें इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन एक रिसोर्सेस है जो हमें HTTP के थ्रू प्रोटोकॉल के थ्रू हम उसे यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा सब कीवर्ड्स, ठीक है यहाँ तक। अब हम एक एक कीवर्ड्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, तो चलो हम स्टार्ट। चलो अब देखते हैं वेब ब्राउजर क्या है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, एकदम इजी क्वेश्चन है। अ वेब ब्राउजर कंटेन द बेसिक सॉफ्टवेयर यू नीड इन ऑर्डर टू फाइंड, रिट्रीव, व्यू एंड सेंड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। दिस इंक्लूड सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू, वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट को यूज़ करने के लिए
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और हम उसमें से क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर शेयर कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है, वो सॉफ्टवेयर से हम कर सकते हैं। तो कौन कौन सी फैसिलिटी आती है और उसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले सेंड एंड रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल टू वर्ल्ड वाइड नियरली द इंस्टेंटेनियसली, यानी कि हम वेब ब्राउजर और सॉरी हाँ वेब ब्राउजर है यानी कि हम क्रोम ही देख ले, तो क्या होता है कि क्रोम के थ्रू हम खोलते हैं होम पेज, हमारा गूगल खुलता है जो कि वो हमारा सर्च इंजिन है, और हम क्रोम के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि ईमेल है एक दूसरे के साथ भेज सकते हैं। रीड अ मैसेज फ्रॉम अ न्यूज ग्रुप और अ फॉर्म्स अबाउट द थाउजेंड ऑफ द टॉपिक इन विच यूजर शेयर इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस, यानी कि क्या होता है, मान लो कि हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला तो उसके अंदर सबसे पहले कि जो हम खोलेंगे तो एक पट्टी हमारी सर्च इंजिन की मिलेगी, और उसके नीचे क्या होगा कि रिसेंटली न्यूज़ जो है वो अपडेट होते रहेंगे, तो उनको क्या मिलता है वहाँ से न्यूज़ और वो सब भी इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। और अभी क्या होता है कि हम जो ज़्यादा सर्च करते हैं, हमारी जो फीड है हम किस टाइप का सर्च करते हैं वैसी हमारी न्यूज़ फीड है वो उसके ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है। फिर आता है ब्राउजर और द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब वेर यू कैन फाइंड एंड रीच अ वेराइटी ऑफ द टेक्सिस ग्राफिक्स एंड इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन, आपको बहुत नंबर ऑफ द टेक्स ग्राफिक्स और जो भी चाहिए वो मिल सकता है। द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो सबसे ज़्यादा फेमस था, फिर आ गया हमारा गूगल क्रोम, फिर सफारी ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर वो भी एक ब्राउजर था। द अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर वेबसाइट मे बी वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर टू यूज, यानी कि वेबसाइट जो होती है वो हमारे ब्राउजर के हमारा ब्राउजर जैसा है उसके कोई कैसी डिजाइन की है उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि आप कोई एक वेबसाइट है वो गूगल क्रोम में खोले और वही वेबसाइट आप मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलते हो तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस अगर होगा, मीन्स के जो सॉफ्टवेयर उसका डिज़ाइन में थोड़ा बहुत चेंजिंग रखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग दिखेगा, वो ब्राउजर पे डिपेंड करता है। एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरनेट एक्सप्लोरर, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो भी कोई लोगो है, जो भी सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप पे, उनके डबल क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा कि ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोर की हमें फाइल जो है वो खुलेगी, तो उसमें अलग अलग बार है जिसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहला आता है टाइटल बार, फिर आता है टूल बार, फिर स्टैंडर्ड बार और सर्च बार, फिर आता है एड्रेस बार, और एड्रेस बार के अंदर कोई यूआरएल होती है वो लिखी जाती है। द इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन द होम पेज एट द सेट एज अ डिफॉल्ट, फिर हमने यहाँ पे कोई एक वेबसाइट खोली है तो हमें क्या मिलेगा, एक फ्रेम मिलेगा, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका ओल्डर वर्जन इधर दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसका फ्रेम होगा और स्क्रॉल बार होगा जिनसे हम क्या करेंगे पेज को अप डाउन कर सकते हैं। सबसे नीचे हमें स्टेटस बार मिलेगा, तो स्टेटस बार क्या बताता है, वॉच द लेफ्ट साइड ऑफ द बार फॉर द वेब पेज लोडिंग द प्रोसेस, इधर क्या होता है हम कोई भी लोडिंग वाला कोई हमने कहाँ पे भी कहीं पे क्लिक किया तो प्रोसेसिंग है कोई भी लोडिंग है वो इधर है, जो हमारा अर्थ है वो घूमता है तो वो क्या बताता है, प्रोसेसिंग बताता है, लोडिंग बताता है। द राइट साइड टेल्स यू विच सिक्योरिटी जोन द करंट पेज इज, और ये राइट साइड वाला है वो हमें एक एड्रेस बताता है कि आप कहाँ पे हो। फिर आता है टूल बार, तो टूल बार क्या है, द माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर टूल बार कंसिस्ट ऑफ द बटन दैट आर अ शॉर्टकट फॉर द मेनू कमांड दे मेक ब्राउजिंग फास्टर एंड ईजियर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का टूल बार है क्या है कि बैक बटन है, फॉरवर्ड बटन है, कैंसिल बटन है, होम बटन है, सर्च बटन है, फेवरेट है, हिस्ट्री है, कट कॉपी पेस्ट, प्रिंटिंग, मैसेजिंग, अकाउंट,
वो सब है। बैक बटन क्या करता है, को हमें जस्ट जो पीछे की जो साइड के जी पेज को हमें ओपन किया होगा उस पे जाएगा बैक बटन, फिर फॉरवर्ड बटन तो आगे की पेज पर जाएगा, एक पेज एक स्टेप हमें फॉरवर्ड कर देगा। स्टॉप, तो स्टॉप से क्या होगा कि हमारी जो भी कोई प्रोसेस चालू है रनिंग है वो तुरंत ही उसे स्टॉप कर देगा, चाहे वो डाउनलोडिंग प्रोसेस हो, अपलोडिंग प्रोसेस हो और कोई भी प्रोसेस हो, उसे क्या करेगा स्टॉप। मैं इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है सब यूज़ आप करते ही आ रहे हैं। रिफ्रेश, रिफ्रेश यानी कि क्या है कि जो वेब पेज हमने लोड किया है वो फिर से हम लोड करवाएंगे, उसे हम रिफ्रेश बोलते हैं। होम पेज, तो होम पेज क्या है, हम जहाँ पे भी हो तो डायरेक्ट होम पे आ जाता है। वैसे हमने मोबाइल के अंदर भी देखा, बीच वाला बटन जो होता है वो होम का होता है, कि हम कहीं पे भी पहुंच जाए, होम पे आना हो, मेन स्क्रीन पे आना हो तो वो बटन क्लिक कर देते हैं तो हम होम पे आ जाते हैं। वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर में होम पेज बटन दिया गया है। सर्च बटन, तो सर्च में क्या होता है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन का कोई भी कीवर्ड वहाँ पे अथवा तो कोई यूआरएल वहाँ पे डालनी रहती है जो हमें सर्च करना हो जिस फील्ड में, और फिर हमें सर्च करके वो माहिती डिस्प्ले करता है, वो होता है सर्च बटन। फिर फेवरेट, फेवरेट यानी कि हमें कोई चीज़ है वो यूजुअली हमें उसे सर्च करनी रहती है तो हम उसे फेवरेट में डाल देंगे तो क्या होगा कि वो हमारी फेवरेट बन गई, यानी कि वहाँ पे स्टार लग गया है, पर हम फेवरेट में जाके उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो जंप करेगा हमें जो फेवरेट के अंदर क्लिक किया हुआ है वो। फिर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या है कि हमने जो सर्च किया है उसकी पूरी हिस्ट्री हमें बताता है। फिर मेल, तो जो भी हम मेल के थ्रू हमें कहीं भी कनेक्ट करना हो, वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसका स्टैंड बाय मेल क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जैसे गूगल का स्टैंड बाय है जीमेल, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का है वो आउटलुक, तो वो आउटलुक खुल जाएगा हमें। फिर आता है प्रिंट, तो क्या है कि हमें कोई भी चीज़ का प्रिंट निकलना होगा प्रिंट के जरिए तो हम वो प्रिंट कमांड देंगे। फिर एडिट, जो हमें एडिटिंग करना हो, डिस्कशन और मैसेंजर कि कोई हमें मैसेज भेजना हो तो वो। फिर मीडिया, तो डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो मीडिया, जो यूआरएल के अंदर हमारा प्लेयर होता है वहाँ पे वो सॉन्ग और जो वीडियो है वो प्ले करेंगे। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। अगर आपको एग्जाम में आए कि व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र एंड एक्सप्लेन विथ हिज एग्जाम्पल, अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको यहाँ तक ही लिखना रहेगा और एग्जाम्पल देना रहेगा, लेकिन आपको बोलते हैं कि वेब ब्राउज़र बताइए और एग्जाम्पल के साथ बताइए तो फिर हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, वरना आप गूगल क्रोम भी ले सकते हो अपने हिसाब से, आप सफारी ब्राउज़र यूज़ करते हो तो सफारी भी कर सकते हो, फायरफॉक्स यूज करते हो तो फायरफॉक्स भी आप इसमें एक्सप्लोरिंग कर सकते हो। सबकी चीज़ तो सेम ही रहेगी कि टाइटल बार आता है, कम फाइल बार आता है, हिस्ट्री बार आता है, वो जो है वो सेम ही रहेगा, और उसके हिसाब से आपको ये सब बटन जो दिए गए हैं, टूल्स जो दिए गए हैं, उसे समझाना पड़ेगा। अब बात आता है यूआरएल, कि व्हाट इज़ द यूआरएल। तो जो यूआरएल है वो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो अभी बड़ा है तो ख़त्म नहीं होगा। तो अब आज हमने क्या क्या सीखा वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का बेसिक है, और उसके अंदर अभी आप मान लो कि इंटरनेट वाला बेसिक है, उसकी हिस्ट्री है, वो ख़त्म हो गई। अब दूसरा पोर्शन क्या स्टार्ट हुआ कि इंटरनेट का कीवर्ड्स, कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं हमें फेमिलियर होना है, आज हमने वो देखा। ये हमारे इंटरनेट की हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो आज क्या है कि टर्म्स है, कीवर्ड से इंटरनेट का जो जो यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्राउज़र, डाउनलोड, अपलोड, ईमेल, फिल्टर, होम पेज, HTML का फुल फॉर्म क्या है याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, WWW का क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP का क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, TCP/IP क्या है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये सब मैंने आपको अटेंडेंस के क्वेश्चनरी में दिए गए हैं। मैं आपको अपना अब क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आप जल्दी से नोट कर लो।
ये है आपके क्वेश्चन आज के लिए, सॉरी यस, फुल फॉर्म आपको देना है वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL एंड TCP/IP का। तो तब तक के लिए जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, URL क्या है, यानी कि कीवर्ड जो हमने पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे।